सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड से। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड अंतर्गत शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय जर्जर स्थिति बहुत दिनों से पड़ी हुई है। आज इसी रास्ते से गुजरते हुए डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक आलोक चौरसिया ने निरीक्षण करते हुए कहा कि यह झारखंड विधानसभा सत्र चल रहा है, इसको प्रश्न के रूप में उठाऊंगा और सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। बताते चले कि फिलहाल शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किराए के मकान में चला जा रहा है। श्री चौरसिया ने कहा कि सतबरवा प्रखंड में महिला डिग्री कॉलेज के सतबरवा हेतु झारखंड सरकार से मांग भी करूंगा। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि राणा प्रताप कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष सिन्हा, संदीप कुमार, समाज सेवी बिहारी प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रित सदस्य रवि प्रसाद मुखर्जी उपस्थित थे। सतबरवा से बनारसी की रिपोर्ट। कभी कार्य रुक गया है और यहाँ पे पठन पाठ का भी कार्य रुक गया है। वो निश्चित तौर पर सरकार से हम लोग मांग करेंगे और इस क्षेत्र की जनता का जो मांग है उस मांग पर हम बराबर अपने क्षेत्र के प्रति अपने लोगों के प्रति जो हम लोग निष्ठा दिखाने के काम करते हैं और अपने लोगों को जो मांग है उसको पूरा कराने के लिए राज्य सरकार से हम लोग चलते सत्र में अभी हम लोग कल ही हम लोग क्वेश्चन डाल के सरकार से इसको मांग करने के काम करेंगे। और यहाँ के जो लोगों को देश के प्रति खासकर हमें जहाँ तक लगता है कि टीचर सेंटर जो आज खराब हो गया है, जो टूट गया है, जर्जर हो गया है, इस वजह से आज कहीं ना कहीं यहाँ के अगल बगल के लोगों को जो है रौनक रहता था वो रौनक कहीं ना कहीं कम हो गया। हमारी प्रयास रहेगी कि फिर से उस रौनक को लाया जाए और यहाँ के लोगों को उसके प्रति और यहाँ के तो झारखंड के लोगों के यहाँ पर टीचर का ट्रेनिंग मिले।